नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी MR के ऑनलाइन एग्जाम के सेफ स्कोर के बारे में। दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कम से कम आपको इतने मार्क्स स्कोर करने ही हैं नेवी MR के ऑनलाइन एग्जाम में, तभी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है इतनी ज़्यादा मात्रा में इसके फॉर्म आए हैं कि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। पिछली बार भी आपने कट ऑफ देखा होगा कि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन मैं आपको जनरल बताऊंगा कि कितना मार्क्स आपको स्कोर करना ही है ताकि आप जो है नेवी MR में सिलेक्शन पा सकें। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी का आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी MR का जो एग्ज़ाम होता है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है मैथ और साइंस का, यानी गणित और विज्ञान का। दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान का। दोनों ही सेक्शन दोस्तों 25-25 मार्क्स के होते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, नेवी हर सेक्शन में मिनिमम सेक्शनल वाइज कट ऑफ रखती थी, कई बार 5 मार्क्स हो जाती थी, कई बार 10 मार्क्स हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब की बार नेवी ने बताया नहीं है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको कितने कितने मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन दोस्तों ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक सेक्शन में आपने टॉप स्कोर कर दिया और दूसरे में स्कोर ही नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुमान है, नेवी दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी बता देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपका जो टारगेट रहना चाहिए मिनिमम, कम से कम दोस्तों आपको दोनों ही सेक्शन में 10-10 मार्क्स स्कोर करने होंगे। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा जाएगी और अलग अलग जाएगी स्टेट वाइज, यानी प्रत्येक राज्य की अलग अलग जो है कट ऑफ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितना जो है आपका टारगेट होना चाहिए नेवी MR के ऑनलाइन एग्जाम में ताकि आप जो है सेफ जोन में काउंट हो सको। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको जनरल बताऊँ, मैक्सिमम राज्य जो है दोस्तों जैसे कि पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद दोस्तों केरल हो गया, इन राज्यों से अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप जो है 20-30 मार्क्स के बीच भी स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सेफ जोन में काउंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर आपने 30 स्कोर किए तब भी आप जो है सिलेक्शन के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। दोस्तों जो मैं आपको अब राज्य बताऊंगा इनको छोड़ के अगर आप जो है अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं तो 30 के नियर बाय अगर आप स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सेफ जोन में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो तीन राज्य हैं, हरियाणा, उसके बाद दोस्तों राजस्थान और बिहार, ये जो तीन राज्य हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं। इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है दोस्तों, पोस्ट भी नॉर्मली कम ही रहती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। पिछली बार दोस्तों नेवी MR के लिए ही हरियाणा की जो कट ऑफ गई थी 50 में से वो 45 मार्क्स गई थी, उसके बाद राजस्थान के लगभग 36-37 मार्क्स और बिहार के लगभग दोस्तों 34-35 मार्क्स रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और अगर आप दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है 42+ या फिर 40+ आपको जो है स्कोर करना होगा, तभी आप जो है सेफ जोन में काउंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप राजस्थान या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं और अगर आपने एग्ज़ाम में 37 मार्क्स स्कोर कर दिए हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बाकी दोस्तों वो एग्ज़ाम के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लेवल आपका एग्ज़ाम का आया है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो कट ऑफ डिक्रीज़ कर जाएगी। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो हर स्टेट की अलग अलग रहती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों लगभग सभी राज्यों की मैंने आपको बता दी है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार को छोड़ के अगर आप और किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो 20-30 मार्क्स के बीच भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 40 मार्क्स प्लस ही आपका सिलेक्शन होगा, राजस्थान बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका लगभग 35 मार्क्स प्लस ही आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ बताई है। आप सभी को पता है नेवी में दो कट ऑफ लगती है, एक तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके लिए शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कट ऑफ लगती है, और दूसरी फाइनल कट ऑफ लगती है, यानी मेडिकल फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद कितने कैंडिडेट्स का जो चयन करना है उस पर जो कट ऑफ लगती है उसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये फाइनल कट ऑफ है, लेकिन अगर आप फिजिकल मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप जो है 4-5 मार्क्स इससे कम कर सकते हैं, तब आप जो है फिजिकल मेडिकल में भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4-5 की जगह 2-3 भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, यानी कितना ज़्यादा वहाँ की कट ऑफ गई है। बाकी दोस्तों
आपको फिजिकल मेडिकल के लिए तो जाना ही है, लेकिन फाइनल कट ऑफ का आप टारगेट रखिए, क्योंकि फिजिकल मेडिकल के बाद काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है, भले ही वो फिजिकल मेडिकल में पास हो गए हैं लेकिन एक फाइनल कट ऑफ में न आने का कानून निकाल दिया जाता है। तो आप टारगेट रखिए कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ही आना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है इंडियन नेवी MR के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। अभी भी दोस्तों आपके पास 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, इन 4 से 5 दिनों में रिवीजन कीजिए दोस्तों, और नया टॉपिक मत उठाइए। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।